Hi guys and welcome back to my channel once again and if you're watching my face very first time then welcome to my channel. आज वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि if you are a makeup beginner और आपको makeup का कुछ भी नहीं आता, if you are मतलब बिल्कुल basic level पे भी नहीं आता तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इफ यू आर अ मेकअप बिगिनर तो आप आई शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हो और आई शेडो लगाने का सबसे इजीएस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें आपको बहुत ज्यादा तामझाम, बहुत सारे ब्रशेज, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स या वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मेरे पास है उनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. जो भी आपके पास है आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. और आज मैंने क्रिएट किया ये आई मेकअप लुक जो आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. करते हैं, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत कम चीजों को आपको यूज करना है क्योंकि मैं वीडियो बिगिनर फ्रेंडली बनाना चाहती हूँ तो मैंने बहुत ही कम चीजों का यूज किया है. इसमें आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आपके खुद के पास अवेलेबल हो आप उनका यूज करके आसानी से कैसा भी आई मेकअप कर सकते हैं. सो सबसे पहले गाइज हमें कोई भी कंसीलर लेना है, आपके पास जो भी कंसीलर अवेलेबल हो उसे लेना है और अपनी आईलाइट पे लगा के अच्छी तरह ब्लेंड करना है. अगर कंसीलर नहीं है तो फाउंडेशन भी लगा सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंट थोड़ा थिक होता है तो वो ज्यादा बेटर रहता है. और जो भी हम कलर अप्लाई करेंगे वो अच्छी तरह पॉप आउट होके दिखेगा. एंड देन ब्लेंड कर लीजिए. इफ यू डोंट हैव ब्यूटी ब्लेंडर जस्ट यूज योर फिंगर टिप्स. आप अपनी फिंगर टिप्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं. आपको डैब डैब मोशन में इसे ब्लेंड करना है क्योंकि यही इसका बेस्ट तरीका है कंसीलर को ब्लेंड करने का. देन आप कोई भी कॉम्पैक्ट लेके इसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज भी स्किन कलर का आई शेडो लेके इसे सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ यूज कर रही हूँ दिस शेड, यह है मेबलिन का न्यूड्स पैलेट और इसमें से ये स्किन कलर वाला शेड मैं यूज कर रही हूँ. आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ना अवेलेबल हो कोई ऐसा आई शेडो देन कॉम्पैक्ट का यूज कर सकते हैं या फिर लूज पाउडर का यूज कर सकते हैं. बस आपको ये सेट करना है ताकि कोई भी क्रीज ना दिखे कंसीलर में. और एक परफेक्ट बेस तैयार हो गया है. आई शेडो मेकअप आपको सिखा रही हूँ, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रशेस की जरूरत नहीं है. आप कोई भी दो ब्रशेस ले सकते हैं. एक ये है फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश और ये थोड़ा सा स्लेंट है ब्लेंडिंग ब्रश. ये दोनों ब्रशेस जो है वो क्लब फैक्ट्री से है. ये ब्रशेस का सेट था, उसमें थे, काफी अच्छी क्वालिटी है. ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए, स्टिल ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में और बहुत अच्छा काम करते हैं. आप कोई भी ब्रशेस ले सकते हैं. इफ यू आर बिगिनर तो आपको बहुत ज्यादा महंगे ब्रश के सेट में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप ले सकते हैं ब्रशेस का सेट फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, अमेजोन, बहुत सारे साइट्स पे मिलते हैं और क्वालिटी उनकी काफी अच्छी होती है. यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम शी इन. आपको सिर्फ दो ब्रश चाहिए इस आई शेडो लुक के लिए. सो सबसे पहले आप कोई भी मैट ब्राउन कलर लीजिए. मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये रहा ब्राउन कलर जो ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है क्योंकि बहुत ही सही कलर है ये. इससे आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं और आई शेडो के लिए भी यूज होता है. सो आपको कोई भी मैट ब्राउन कलर लेना है और उसे अपनी क्रीज पे अप्लाई करना है. क्रीज क्या होती है? क्रीज ये लाइन होती है जब हम आंख बंद और खोलने के बीच में जो लाइन होती है इसे हम क्रीज लाइन कहते हैं. दिस सो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेंडिंग ब्रश. ये थोड़ा सा स्लैंट है एज यू कैन सी. सो इससे क्या होता है जो हमारी आईज पे बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाता है. तो आप कोई भी मैट ब्राउन कलर लीजिए एंड उसे अपने आउटर कॉर्नर से मीन्स यहाँ से क्रीज पे अप्लाई कीजिए एंड पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं जाना, यहीं जाके रुक जाना है एंड देन वापिस आना है एंड इसी मोशन को हमें रिपीट करते रहना है लाइक दिस. बहुत पहले बहुत कम आई शेडो लीजिए, एक्सेस को डस्ट आउट कीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए. धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए.
बाहर आपको ज्यादा फोकस करना है, आउटर कॉर्नर पे यहाँ ज्यादा इंटेंसिफाई करना है, देन यहाँ तक आके पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं जाना, वापस इस मोशन को रिपीट करना है। अगर आपको इसमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ टेप लगा सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी बिल्कुल शार्प लाइन आएगी। लेकिन हमेशा आप यहाँ जो आपकी आँख खत्म होती है जहाँ पर जो नीचे वाली लाइन होती है इसे ऊपर की तरफ ले जाइए, यहाँ तक आपको अप्लाई करना होता है। सो अगर थोड़ा बहुत एक्सेस हो भी जाएगा तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ अप्लाई करना है एंड देन यही मोशन रिपीट करते जानी है, पूरा इनर कॉर्नर तक नहीं जाइए क्योंकि इनर कॉर्नर ज्यादा डार्क नहीं लगना चाहिए। एंड देन आउटर कॉर्नर में आपको इसे अच्छी तरीके से इंटेंसिफाई करना है, पर आउटर कॉर्नर पे सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे इसे लाइक दिस, बहुत धीरे धीरे, एकदम से बहुत सारा अप्लाई ना करें अदरवाइज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऊपर कितना ले जाना है, तो आपको बस अपनी आंख के अकॉर्डिंग, अगर आपकी हुडेड आईज है तो आप थोड़ा ऊपर की तरफ से लीजिए अपनी क्रीज से ऊपर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी क्रीज दिखने की नहीं हुडेड आईज में। अगर आपके नॉर्मल आईज है देन आपको आउटर वी से लेकर ये जो हमारी क्रीज लाइन है इस पे ले जाना, और इसके ऊपर जो जाता है वो अपने आप ही जाता है, आपको उसके ऊपर नहीं लगाना, वो ब्रश की हेल्प से अपने आप लग जाएगा, बस आपको उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। अगर आप अपना आई शेडो ढंग से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो बहुत गंदा। कैन यू सी द डिफरेंस? तो गाइस इतना करने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी आई शेडो लगा सकते हैं। मैं एक यूनिवर्सल कलर लगा रही हूँ जो ऑलमोस्ट सब ड्रेस पे जाएगा, तो मैं ले रही हूँ ये वाला कलर, और ये वाले कलर को हल्का हल्का दोनों को मिक्स करके लूंगी क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी कलर्स पे जाते हैं। एंड अपनी फिंगर पे लेके इसे अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूंगी। तरीके से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पिंक हो चाहे पर्पल हो कोई भी हो, बस आपको अपनी क्रीज पे ब्राउन कलर लगाना है एंड देन कोई भी आप शिमरी आई शेडो लेके अपने आईलेट पे लगा लीजिए। आई शेडो बहुत तरीके से लगाया जा सकता है, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टेक्निक से, बट इफ यू आर बिगिनर देन दिस इज द इजीएस्ट वे। एंड अगेन आपको ब्रश लेना है और इस वाले आई शेडो के साथ पुराने वाले आई शेडो को मिक्स करना है, दोनों आई शेडो को बेसिकली मिक्स करना है। सो गाइस हमारा आई शेडो डन हो गया है। अब आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या किसी भी कॉटन को लेके या ईयरबड को लेके जितना भी एक्सेस है उसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये इजीएस्ट वे था। अब आपको बस एक लास्ट में स्टेप ये करना है कि आप जो फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश था या कोई भी एक ब्रश लेके जो क्लीन हो जिसपे कोई कलर ना हो उसे लेके आपको हर चीज को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, स्पेशली आउटर वाले हिस्से को और क्रीज को, ताकि दोनों आई शेडो अलग अलग ना लगे, मिले हुए लगे, ऐसा ना लगे अलग अलग से लगाए। और जो भी आपके ब्रश में एक्सेस हो उसे आप अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लीजिए ताकि वो थोड़ी स्मोक आउट हो जाए और पुट टुगेदर लगे। आप कोई भी हाइलाइटर लीजिए, बहुत लाइट कलर का आई शेडो या हाइलाइटर, और उससे अपने इनर कॉर्नर को ऐसे आप उस पर अप्लाई कर लीजिए जिससे आपकी आंखें थोड़ी ओपन अप और बड़ी बड़ी दिखेंगी। और मैंने इतना पतला लगाया कि वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन इससे आई मेकअप लुक कंप्लीट लगता है। तो आप नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो आप पतला पतला भी ला सकते हैं, जैसा भी आप लगाना चाहे। तो मैं इस पे भी आईलाइनर लगा लेती हूँ एंड देन आप अप्लाई कर लीजिए अपनी पसंद का कोई भी मस्कारा। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अमेजिंग है। सो या गाइस दिस इज द फाइनल लुक, यू कैन सी वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी। आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बहुत कम प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और आप इस तरीके से इस टेक्निक से किसी भी कलर का अपनी पसंद से और अपने हिसाब से आई शेडो लगा सकते हैं। ये ईजीएस्ट वे है आई शेडो लगाने का। इसमें मैं आपको एक दो टिप देना चाहूँगी कि इफ़ यू आर वेरी वेरी बिगिनर तो आप यहाँ पर टेप लगा सकते हैं। टेप लगाने की पोजिशन जो होती है वो आपकी लोअर लैश लाइन वाली लाइन्स होती है, जो ये लाइन जा रही है इसके ही इसी के सीक्वेंस में आपको आगे की तरफ टेप लगानी है।
एंड उसको जब आपका कंप्लीट आई मेकअप हो जाएगा देन आप रिमूव कर दीजिए, तो आपका एक अच्छा लुक आएगा अगर आपको आउटर से प्रॉब्लम होती है। सेकेंड टिप ये, इफ यू हैव हुडेड आईज, बेसिकली हुडेड आईज वो होती है जो आई शेडो लगाने के पर जिनका आई शेडो नहीं दिखता बेसिकली, उन्हें हुडेड आईज कहते हैं। तो वो अपनी क्रीज जो हमारी नॉर्मल क्रीज होती है उससे ऊपर अपनी क्रीज बना ले, मतलब आई शेडो अपनी क्रीज से थोड़ा ऊपर लगाएं पहले वाला आई शेडो, तो उससे उनको अच्छा लुक मिलेगा और उनकी आंखें बड़ी दिखेंगी। एंड इफ यू हैव वेरी वेरी स्मॉल आईज तो आप अपनी लोअर लैश लाइन पे न्यूड या व्हाइट कलर का काजल लगा सकते हैं जिससे वो थोड़ी ओपन अप और बड़ी दिखेंगी। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कलर में आपको कोई भी वार्म टोन ब्राउन कलर लेना है, किसी भी तरीके का ब्राउनिश बहुत ज्यादा है, डीप वार्म ब्रिक कलर हो वो आप अपनी क्रीज पे अप्लाई कीजिए। एंड देन आप कोई भी शिमरी शेड भी ले सकते हैं, मैट शेड भी ले सकते हैं, ग्लिटर भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। वो आप अपनी आईलेट पे अप्लाई कीजिए और उसे सिर्फ आपको अपनी आईलेट पे अप्लाई करना है एंड देन एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से दोनों को मिक्स कर देना है। दिस इज इट, सिंपलेस्ट वे है मेकअप बिगिनर्स के लिए या जिन्हें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि हाउ टू अप्लाई आई शेडो, देन दिस इज द इजिएस्ट 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 वे एंड दिस इज वेरी बेसिक एंड इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो यार गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।